सामाजिक बदलाव हो या हो राजनीतिक बदलाव, हर बदलाव में युवाओं की भूमिका अहम होती है। कुछ ऐसे ही बदलाव के संकेत आसन्न पंचायत चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में नेतृत्व को लेकर युवाओं की बढ़ती भागीदारी और पंचायत चुनाव में युवा प्रत्याशियों पर मतदाताओं का बढ़ता भरोसा इस बात का संकेत कर रहा है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा पंचायतों की बागडोर युवाओं के हाथों में सौंपने वाले हैं। मतदाताओं की इस पहल की पड़ताल के लिए हम चलते हैं पंचायतों की ओर, जहां राजनीति में आने वाले इच्छुक युवा बड़े पैमाने पर गांव और कस्बों की स्थानीय राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर कड़े संघर्षों के साथ गांव के विकास को धरातल पर पारदर्शी ढंग से उतार कर एक उदाहरण बन गए हैं। कविता की इन चंद लाइनों की रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। इसी विश्वास पर अपने राजनीतिक भविष्य की जमीन तलाश करने वाले सिमरौना के त्रिनेत पांडे की मुलाकात हम आपसे कराते हैं। पंचायत के विकास को लेकर उनकी सोच क्या? स्वागत है। आपने सिमरौना गांव में प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर कार्य किया, 5 साल के अपने अनुभव को लोगों को बताएं आप। जी, जैसा कि आप, मैं त्रिनेत पांडे प्रधान प्रतिनिधि रहा 5 साल सिमरौना का, और जैसे हम लोग वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं तो लिखा है स्वांता सुखाय, तुलसी रघुनाथ गाथा, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की वो अपने पहले अंतःकरण के सुख के लिए की। तो 5 साल मैंने जो हमारे पूर्वजों से, हमारे वरिष्ठों से मिले सीख है, उसके आधार पर मैंने ये वो काम करने का प्रयास किया जिससे सबसे पहले हमको अच्छा लगे। जो अपने मन को अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है, यह बहुत मतलब एक सार्वभौम यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो हमने लोगों के दुख को बांटने का, लोगों को सुख जो है वो देने का जितना हो सका इस 5 साल में मैंने काम किया, चाहे वो आवास रहे हों, चाहे वो नाली की समस्या रही हो, चाहे वो सड़क की समस्या रही हो, और उस सबके साथ साथ हमने लोगों के प्यार को, सम्मान को जितना हो सका यथा शक्ति अपने स्तर पे वो कायम रखने का प्रयास किया। अब चुनाव आ चुका है, अपने गांव के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जैसे अब 5 साल चूंकि मैंने अपना काम किया है तो लोगों से मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने देखा था गांव का माहौल आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले क्या था। ये हमारे गाँव के लोग, मेरे साथ कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन मूर्ख लोग नहीं हैं। मेरे साथ जो हैं वो बुद्धिमान लोग हैं, भले उनके पास पैसा ना हो, भले उनके पास जो है वो पढ़ाई ना हो, लेकिन अपना हित, और रामचरितमानस में लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तो हमारा ये मानव समाज जो है, हमारे गाँव का, हमारे गाँव की जो जनता है वो मनुष्य है, और मनुष्य अपना हित अनहित अच्छी तरीके से जानता है। 15 साल लोगों ने एक गैंग की, जो जिसमें हिस्ट्री सीटर अपराधी रहे, जिसमें जो है समाज में ऐसे लोग थे कि दरवाजे पर गड्ढा खुदवाए, लोगों का तालाब खुदवाए, लोगों का घर लिखवा लिए, ऐसे लोगों का की कारगुजारी लोगों ने 15 साल देखा है। हमने 5 साल में, यदि मैंने अपने मन से, वचन से और कर्म से किसी का अहित करने का काम किया है तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि मुझको वोट ना दीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि इस 5 साल में मैंने आपका सम्मान किया है, मैंने गांव के विकास में पूरा अपने लोगों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ मैंने, या मेरे किसी साथी ने, जैसे हमारे ग्राम प्रधान श्रीमती सुमिता देवी, उनके पति डॉक्टर श्याम बहादुर रहे हैं, या हमारे जो सदस्य गण रहे हैं 12-13, यदि किसी ने मेरे नाम पर, मेरे प्रधान के नाम पर यदि किसी से एक पैसा वसूला होगा, मेरा एक काम कोई फर्जी बता देगा तो मैं राजनीति नहीं करूँगा। लेकिन यदि आपको लगता है, मेरी जनता को लगता है कि हमने अच्छा काम किया है, और जो है जैसे ये राजनीति है, ये नौटंकी जैसा है, नौटंकी नहीं कह सकते लेकिन एक नाटक जैसा है, लोगों ने 15 साल एक कंपनी का नाटक देखा है, मेरे सिमरौना के लोगों ने 5 साल मेरी कंपनी का नाटक देखा है। अब आ गया है समय जनता के मतलब जनता के फैसले का, यदि उनका नाटक अच्छा लगा होगा तो मेरी जनता उनको वोट करे,
यदि मेरी कंपनी का नाटक अच्छा लगा होगा, नाटक मीन्स कार्य, यदि कार्य मैंने आप लोगों के हित के लिए किया, मैंने अपने जनता के हित के लिए किया है, तो मैं उनके वोट का स्वाभाविक रूप से हकदार हूं। और यदि मैंने कहीं भी कोई गलती काम किया है, और जिनके साथ किया होगा, वैसे मैंने किया नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा मैंने लोगों के सबकी इज्जत देने का काम किया, सबको सम्मान देने का काम किया, सबके जरूरतमंदों का काम मैंने करने का काम किया है, मैंने राशन देने का काम किया, मैंने नाली बनवाई है, हमने कॉलोनी देने का काम किया है, हमने जो है लोगों के वक्त जरूरत यदि कहीं पड़ा है तो मन से और तन से और धन से मैं आधी रात रहा, मैंने मेरे परिवार ने, मेरे भतीजों ने अपना खून देने का काम किया है लोगों को। यदि मैंने खून देने का काम किया, मैंने पैसा देने का काम किया है, यदि मैं झूठा होऊंगा तो मुझको हमारी जनता नकार देगी, यदि मैं सही होऊंगा तो मुझको, मैं जो देख रहा हूं, जैसे कोटे का चुनाव था तो मैं प्रधानी में पाया था 496 वोट, लेकिन कोटे में मेरे साथ 620 लोग थे और हमारे प्रतिपक्षी को बमुश्किल 300 वोट मिले हैं, 300 लोग उनके साथ नहीं थे, वो मैदान छोड़ के भागे हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोगों का जो आशा है, जो विश्वास है, उसको जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं बरकरार रखने का प्रयास करूंगा, हर चेहरे पर मुस्कान बनाने का प्रयास करूंगा, हर व्यक्ति के सम्मान देने का काम करूंगा। और मेरी अपील है जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उन लोगों से भी कि यदि आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो सिर्फ वोट के माध्यम से आप हमको जो है अपना आशीर्वाद देने का काम करें। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम छट्टू है साहब। छट्टू, तो आपकी ग्राम पंचायत यही सेमरौना है? जी साहब। चलिए छट्टू जी, अब इधर पंचायत चुनाव आ गया है जी साहब, तो इसमें जो है आप मतदाता भी हैं? जी सर। तो आप का जो वोट देने का नज़रिया होगा वो क्या होगा? विकास को देख करके आप वोट करेंगे या जात मजहब के नाम पर वोट करेंगे? कैसे वोट करेंगे, क्या सोच करके आप जाएंगे वोट देने के लिए? सर हम सब लोग विकास के नाम पर जाएंगे। विकास के नाम? जी सर। अच्छा, जो पिछला 5 वर्ष गुजरा जी सर, उसमें आपको क्या लगा कि विकास हुआ है? जी सर, हमारे यहाँ इतना विकास हुआ जो कि 15 साल में साहब नहीं हुआ था। जी, क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ा विकास में कि ये बेहतर काम हुआ है? हमको सर जो है हम लोग गरीब आदमी हैं साहब जी, जिसमें से साहब हम लोगों के पास जर जमीन भी नहीं है जी, हम सब लोग साहब मजदूरी करके खा रहे थे साहब। आज 5 साल में सर हम लोगों को एक एक आदमी जो 70 साल के बुढ़वा भी हैं उनको जो है एक एक आदमी 70-70-80-80 हज़ार रुपया इस 5 साल में उन्होंने कमाया है, जो कि साहब वो मोड़ पर बोझा लेके नहीं चल पा रहा था जी, लेकिन ऐसा प्रधान मिला कि वो प्रधान कहा कि तुम लोग बैठ करके हम मजदूरी देंगे, कोई हाथ से माटी फेंको कोई। अच्छा, मनरेगा में काफ़ी लोगों को काम मिला साहब? पूरे ग्राम सभा में 100-100, 125 आदमी काम कर रहे थे साहब जी। अच्छा, कुछ अपने ग्राम पंचायत का कोई ऐसा एक काम बताइए जो बेहतर काम, सबसे अच्छा लगा हो, आप लोगों को काफ़ी उम्मीद रही हो कि ग्राम पंचायत में ये हो जाए। सर हम लोगों को हमारे ग्राम सभा में भी एक सड़क भी नहीं गई थी साहब, जबकि वो भी चली गई, हम जो लोग इतने पानी में आते जाते थे। जी जी, रास्ते की बड़ी समस्या थी। बहुत समस्या थी सर।